अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद सलवा। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मानावाला का मौसम सर्द हुआ तो शहरों ने मुख्तलिफ फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहाँ वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए दोस्तों के साथ फिश एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अदनान तानी की रिपोर्ट में। गर्मा गर्म करारी खस्ता और मसालेदार, बच्चे बड़ी सभी मछली खाने को हैं तैयार। कहीं मसाला लगाकर मछली को रखा गया और कहीं तेल में फ्राई किया जा रहा है। इन दिनों मानावाला की खास तवज्जो का मरकज़ बन गई है ग्रिल फिश, जिसको मुख्तलिफ किस्म के मसालाजात लगाकर तैयार किया जाता है। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सब दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि फ़िश पार्टी का इंजॉय किया जाए, और माशाल्लाह सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी ये आज मेरे दोस्त सब इकट्ठे हुए हैं, ये आज हम थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, फ़िश पार्टी कर रहे हैं। ग्रिल फिश बनाने के वालों का कहना है कि जायके की वजह से पूरा साल ही लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों में रश बढ़ जाता है। दही और मसाले के मेज़े में कोयलों पर पकी हुई मछली ने हर किसी को अपनी लपेट में ले रखा है। मानावाला में सर्दी आते ही लोगों ने ज़्यादातर फिश पॉइंटों का रुख कर लिया है। कोयलों पर पकी हुई फिश की निमी निमी खुशबू हर किसी को अपनी तरफ माइल कर रही है। कैमरा टीम के हमराह मोहम्मद अदनान दानी, मानावाला।